26 जुलाई को कारगिल की ऊंची चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराते हुए बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिन पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए युद्ध में शहीद हुए सैकड़ों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को याद करते हुए देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस साल कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चाहत। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा करने में सफल रही। शुरुआत में पाकिस्तान ने कश्मीर के भारतीय नियंत्रित इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। 7 दिनों से अधिक समय तक चले इस युद्ध के दूसरे चरण में भारत ने पहले रणनीतिक परिवहन मार्गों पर कब्जा करके जवाब दिया। भारतीय सेना स्थानीय चरवाहों द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी के आधार पर आक्रमण के बिंदुओं की पहचान करने में सक्षम थी। अंतिम चरण में भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना की मदद से जुलाई के अंतिम सप्ताह में युद्ध का समापन किया और मिशन को सफल घोषित किया, लेकिन जीत की कीमत ज्यादा थी। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर जवानों में से एक थे। इस साल कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ है। भारतीय सेना ने दिल्ली से कारगिल विजय दिवस मोटरबाइक अभियान को हरी झंडी दिखाई। युद्ध स्मारक पर ध्वजारोहण समारोह के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। शहीदों के परिवारों का स्मारक स्थल में सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर द्रास में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की भी योजना है। कार्यक्रम में शेरशाह फिल्म की टीम भी मौजूद रहेगी। इस कार्यक्रम में कोरियोग्राफ किए गए नृत्य प्रदर्शन, देशभक्ति गीतों का प्रदर्शन किया जाएगा। शुभ 24 न्यूज की ओर से कारगिल शहीदों को शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज। यूं ही बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। जय हिंद, जय भारत।